अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंस्पायर किचन। आज मैं आपको वाइट चिकन कोरमा बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने 1 किलो चिकन ले लिया, इसको मैंने कढ़ाई कट में कटवा लिया, और ये 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। 250 ग्राम इसमें दही जाएगा, इसको मैंने फेंट लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट जाएगा और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, इन दोनों को मैंने इकट्ठा मिक्स कर दिया। हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा, 4 से 5 मैंने ली थी, इनका मैंने इस तरह पेस्ट बना लिया। हरी मिर्ची और अदरक गार्निशिंग के लिए डालेंगे। मसालों में जाएगा नमक जाएगा, हस्बे जायका, साबुत धनिया पिसा जाएगा 1 टेबल स्पून, सफ़ेद मिर्च पिसी जाएगी 1 टेबल स्पून, काली मिर्च जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून, ये एंड पे हम डालेंगे, और ये भुना कुटा जीरा जाएगा 1 टेबल स्पून। ये तेज़ पत्ते हैं, 2 थे मैंने इसको तोड़ लिया है, 4 से 5 लौंग हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े, और ऑयल इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 कप। ये खोपरा है 2 टेबल स्पून, और ये बादाम मैंने ले लिए थे 15 से 20 अदद, जिसका मैंने छिलका उतार लिया, और बादाम को और ये जो है कोकोनट और दूध 1 कप दूध लिया मैंने, इसको मैं पीस लूँगी। अगर आपके पास काजू हैं तो आप 10-15 काजू डाल दें, नहीं तो खिशखाश ले लें, वो 1 टेबल स्पून धो के वो शामिल कर दें। और ऑल पर क्रीम जाएगी, किसी भी ब्रांड की आप ले लें। ये छोटी इलायची है देखें, और ये जायफल है छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया, और ये जो जवत्री ये मैं पीस के एंड पे हम शामिल करेंगे। कढ़ाई ले ली और मैंने फ्लेम ऑन कर दिया, इसमें हम 1.5 कप के क्रीम ऑयल शामिल करेंगे, 1.5 कप ऑयल चला गया, और अब हम इसमें ये जो हमने प्याज बारीक चॉप करके की हुई है वो शामिल कर देंगे, और इसको मैं फ्राई करूंगी। प्याज हमारे पकना शुरू हो गई है, अब मैं इसके अंदर ये 7 ही कड़ी पत्ते, ये लौंग 4 अदद और 1 दालचीनी का टुकड़ा जिसको मैंने तोड़ लिया वो शामिल कर दूँगी, ताकि इसकी खुशबू इसमें शामिल हो जाए। अब प्याज को हमने उतनी देर पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। देखिए कलर चेंज हो गया इसका प्याज का, इसको ब्राउन नहीं आपने करना। अब हम इसमें चिकन ऐड कर दें, हमने आग को थोड़ा सा जो है तेज ही रखना, ताकि चिकन का पानी खुश्क हो जाए, चिकन का कलर चेंज होगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। चिकन का कलर चेंज हो गया है देखिए, अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के, अब हम ये भुना कुटा जीरा, साबुत धनिया पिसा और सफ़ेद मिर्च पिसे शामिल कर, तो काली मिर्चें ये हम एंड पे शामिल करें, क्योंकि अभी अगर मैंने शामिल कर दी तो फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हम इसको मसाले के साथ भूनते हैं, इसमें नमक शामिल करेंगे, हल्दी जायका मैं इसमें 1.5 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, और ये हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर रही हूँ। अब इसके साथ हम इसकी भुनाई करेंगे, ये 2 से 3 मिनट मैंने इसको भून लिया है हरी मिर्चों के साथ,
मसाले के साथ। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही हमने 250 ग्राम, ये मेरे पास ज़्यादा थी तो आपने 250 ग्राम शामिल कर लेंगे। इसको मिक्स करेंगे। मैं इसको कवर कर दूंगी, ये दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और हमारा चिकन भी गल जाए। आँच मैंने मीडियम रखी हुई है। 5 मिनट हो गए इसे, ये देखिए माशाल्लाह ये दही का पानी खुश्क हो रहा। अच्छा इस स्टेज पे मैं नमक भी चेक कर लूँगी और मिर्च भी। नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा तो इसमें मैं ये 1/2 टीस्पून और डालूँ, यानी टोटल इसमें 1 टेबलस्पून गया है। कवर मैंने हटा दिया था और ये देखें इस तरह बबल्स बनने लग जाएं जब ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो अब हमने इसमें ये जो मैंने दूध में बादाम और कोकोनट पीस है वो हम शामिल कर दें और इस तरह हमारा ये चिकन भी गल जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा इसमें। अगर आपके पास काजू है तो वो आप बादाम काजू और दूध और कोकोनट शामिल कर दें पीस के। अब हम इसको इसके साथ पकने देते हैं, कवर करते हैं। ये 5 से 7 मिनट हो गए इसे पकते हुए। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है, हमारा चिकन भी सॉफ्ट हो गया होगा। अब हम इसमें ये काली मिर्च ऐड करेंगे और ये जो हमने जायफल और जावित्री थोड़ी सी और पीसी सब्ज इलायची को पीस लिया। थोड़ी सी अदरक बारीक कटी हुई शामिल कर दी। अब हम इसको फिर कवर करेंगे और स्लो आंच पे हम इसको 5 मिनट के लिए दम देंगे। हो गया माशाल्लाह। क्रीम ऐड कर देंगे 1/2 कप, इसको मिक्स करेंगे। ये हमारा कोरमा माशाल्लाह तैयार हो गया। अब मैं इसको निकालूंगी फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह वाइट चिकन कोरमा तैयार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको आपके घर वालों को पसंद आएगा। रमज़ान में भी आप इसको बनाएं और इंजॉय करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही ये चैनल आगे चल सकता है। अल्लाह हाफिज़।